है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिसे एसएससी जेई और आरआरबी जेई बहुत सारे कमीशन में 18 से 20 क्वेश्चन पूछती है, यानी इसका वेटेज सब सब्जेक्ट, जितना जो भी सब्जेक्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, सबसे अधिक वेटेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ही है। ठीक है, तो इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम एस्टोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि एस्टोन क्या होता है, तो इसी के बारे में आज पूरा चर्चा चलेगी। उसके बाद देखिए, रॉक्स मेनली थ्री टाइप्स क्लासिफाइड, ये भी एक प्रकार का स्टोन ही है, रॉक्स भी है, पत्थर जिसे स्टोन पत्थर कहते हैं, रॉक्स ही है। तो ये मेनली थ्री टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो रॉक्स स्टोन आप समझ सकते हैं, जो भी पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, हर एक बहुत जगह हिमालय हिमालय बहुत जगह पाई जाती है, वहाँ से बहुत सारे आपको रॉक पाए जाएगी। ठीक है, उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि वो कैसे बना है, कितने प्रकार का रॉक्स पृथ्वी पर पाया जाती है। ठीक है, किस रॉक का कितना कंप्रेसिव एक्शन होता है, कौन सा कहाँ यूज हम करते हैं, इसी के बारे में आज हम ब्रीफली चर्चा करेंगे कि इसका कंप्रेसिव एक्शन कितना होगा, कौन अच्छा होता है, कौन खराब होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो पहला आपका है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, मेड ऑफ ओरिजिन पर आधारित होती है, और इसके अनुसार रॉक्स को तीन प्रकार से क्लासिफाइड किया जाती है। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो हिंदी में लिख आए हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो, अच्छा समझ में आए। बहुत स्टूडेंट होता है, बहुत सारे चैनल इंग्लिश में पढ़ाई होती है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर हम लाए हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, मेड ऑफ ओरिजिन के आधार पर रॉक्स को तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से हम होता ही है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो पहले आप देख लीजिए ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक होती क्या है। अब देखिए इग्नियस रॉक क्या होती है, कई बार अर्थ टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाने पर, कई बार क्या होती है, अर्थ का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाने पर पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट पिघलकर ऊपर आने की कोशिश करता है, और यह पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा कहलाता है। ठीक है, पिघला हुआ सिलिकेट कई बार धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट से अत्यधिक गहराई में भी ठंडा हो जाती है, या कम गहराई में भी ठंडा होकर जम जाती है, या पृथ्वी की टॉप सतह पर आकर ठंडा होकर सेट हो जाती है। तो इसके अनुसार रॉक्स तीन प्रकार की होती है। पहले आप समझ लीजिए कि इग्नियस रॉक क्या होती है, आप लोग सुने होंगे ज्वालामुखी फट गया, यानी जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ठीक है, जहाँ पृथ्वी के सेंटर आप देखते हैं, केंद्र में क्या है, बहुत सारा सॉलिड पदार्थ जिसे आप मिनरल कहते हैं, एल्युमिनियम है, लोहा है, सिलिकेट है, और भी कार्बन है जैसे, है वो क्या हो रहा है, खोल रहा, जैसे आग खोलता है ना आग की तरह, मतलब वो खोल रहा है लावा की तरह, समझिए पूरा वो खोल रहा है, तो उससे गैस भी बनती है, वो जो खोल रही है उससे गैस भी निकलेगी। तो जहाँ जहाँ मान लीजिए पृथ्वी का लेयर जो होती है वो कमज़ोर होती है, पृथ्वी का जो परत होती है वो कमज़ोर होती है, तो वो क्या करते हो, गैस बन करके पृथ्वी पर ऊपर से अंदर से ऊपर की ओर धक्का देती है। ठीक है, अंदर से ऊपर की ओर क्या करेगी, वो धक्का देगी, धक्का देने के बाद क्या होती है, वो बाहर आ जाती है। ठीक है, मतलब पूरा खोलता हुआ लावा वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी, तो वो बाहर होकर के ठंडा हो जाती है। ठीक है, वो बाहर होकर के बाहर आने के बाद क्या होती है, वो ठंडा हो जाती है, तो वही ठंडा होने के बाद जो रॉक बनती है ना, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक के नाम जानते हैं, और ये बहुत अच्छा रॉक होता है। ठीक है, इस इग्नियस रॉक को आप लेयर बाय लेयर में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, वो इग्नियस रॉक होती है, यानी ये डायरेक्ट नेचुरल से नेचर इसको बनाती है, हम लोग इसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट प्रकृति में ये पाई जाती है, तो इस प्रकार से होती है, यानी वो जो वही जो आप देखे मटेरियल है पृथ्वी के अंदर, जो मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल जब पृथ्वी के सरफेस के बाहर आ जाती है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर रहती है, तो उसे हम लोग
लावा के नाम से जानते हैं, समझे। अर्थ सरफेस के जब ऊपर आ जाती है तो उसे हम लोग लावा के नाम से जानते हैं, और जब वही अर्थ सरफेस के नीचे रहती है तो उसे हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, समझे। तो अब देखिए इग्नियस रॉक क्या होती है। कई बार अर्थ टेम्परेचर अधिक बढ़ जाने पर पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट पिघल कर ऊपर आने की कोशिश करता है। यहाँ क्या देखें, इग्नियस रॉक में कई बार अर्थ टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ जाने पर, जब अर्थ का टेम्परेचर वही जो आपको बोले जो पदार्थ है अर्थ सरफेस के नीचे वो खोल रही है, जब उसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाती है तो ऊपर पृथ्वी में उपस्थित सिलिकेट जो है पिघल कर ऊपर आने की कोशिश करता है, और यह पिघला हुआ सिलिकेट मैग्मा कहलाती है। वही जो पिघला हुआ सिलिकेट क्या कहलाएगी, मैग्मा कहलाती है। पिघला हुआ सिलिकेट कई बार धरती के अंदर अर्थक्रस्ट के अत्यधिक गहराई में ठंडा हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, पूरा तो जितना मटेरियल पिघला हुआ है सब तो ऊपर नहीं आ पाती है, ठीक है। कुछ अर्थक्रस्ट के नीचे भी होती है, कुछ अर्थक्रस्ट के ऊपर भी रहती है। तो वो कुछ पिघला मटेरियल अर्थक्रस्ट के अंदर अत्यधिक गहराई में बहुत अधिक डेप्थ में जाकर डेप्थ में ही ठंडा हो जाती है, या कम गहराई में होकर जम जाती है, या पृथ्वी के ऊपर सतह पर आकर के जम करके सेट हो जाएगी। तीन प्रकार से, या तो पृथ्वी के बहुत अंदर गहराई में ही सेट कर जाएगी, या कम गहराई सेट करेगी, या पृथ्वी के टॉप सरफेस पर आकर के सेट कर जाएगी। तो इस अनुसार से हम लोग इग्नियस रॉक को तीन प्रकार में बांट सकती हैं, यानी सब इग्नियस रॉक ही है। यानी आपका इग्नियस रॉक तीन प्रकार का हो गया, प्लूटोनिक रॉक हो गया, हाइपरबेसाल्ट रॉक हो गया, और वोल्केनिक रॉक हो गया। प्लूटोनिक रॉक जिसे कहते हैं पाताल चट्टान नहीं कहते हैं, इसमें देखते हैं रामायण समय पाताल लोग, यानी बहुत अधिक डेप्थ में जा करके वो बहुत अधिक डेप्थ में ही ठंडी हो जाती है, उसे हम लोग प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। क्योंकि जितना भी मटेरियल है वो सब को सब तो पृथ्वी के जो भी अंदर में है पहले तो सब के सब ऊपर नहीं आ पाती है, तो कुछ वहीं पर ही मतलब थोड़ा दूर ऊपर आएगी और ठंडा हो जाएगी, ठंडा होकर के रॉक का रूप फॉर्म हो जाती है। कुछ क्या होती है, ऊपर आती है लेकिन ऊपर आ नहीं पाती है, ठीक है। कुछ नीचे ही रहती, अर्थ सरफेस से कुछ नीचा ही रहती है, तो उसे यहाँ पे बेसाल्ट हम लोग कहते हैं। अब वोल्केनिक का मतलब ये हो गया, ठीक है, अर्थ सरफेस जो ऊपर जो रॉक बनती है ऊपर जो आप देख जिसे आँख से आप देख पाते हैं वो वोल्केनिक हो गया। तो प्लूटोनिक हो गया बहुत नीचे में जा मतलब बहुत डेप्थ में, यानी प्लूटोनिक रॉक का मतलब हो गया इफ़ द मेल्टिंग मैग्मा आर सेट और कूलिंग एट कंसिडरेबल डेप्थ। मैग्मा मतलब समझिए इसमें लावा मैग्मा एक ही चीज़ है, वही जब मटेरियल अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाती है तो लावा कहलाती है, और वही मटेरियल जब अर्थ सरफेस के नीचे होती है तो वही मैग्मा कहलाती है, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक क्या हो गया, इफ़ द मेल्टिंग मैग्मा जब पिघला हुआ मैग्मा आर सेट और कूलिंग एट कंसिडरेबल डेप्थ, ठीक है, तो इज कॉल्ड अर्थ इज कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। यानी जब वो पिघला हुआ मैग्मा अर्थ सरफेस के बहुत नीचे ही जम जाती है तो उसे हम लोग प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। अब चलिए जैसे इसका एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट, ठीक है, तो ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है, प्लूटोनिक रॉक का। तो प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर कॉर्सली ग्रेन यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्लूटोनिक रॉक का, इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये भी कमेंट्स में पूछती है कि प्लूटोनिक रॉक यानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर मतलब वो दिखता कैसे है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के यानी कॉर्सली ग्रैंड होता है, ठीक है, पार्सली ग्रैंड होता है, सॉरी पार्सली ग्रैंड होता है। आप देख लीजिए, आप देखिए हाइपे बेसाल रॉक इफ़ द मेल्टिंग मैग्मा आर कूलिंग और सेट एट सेलो डेप्थ। सेलो डेप्थ का मतलब होता है कम डेप्थ पर, समझे, यानी कम डेप्थ पर अर्थ स्पेस के नीचे थोड़ा सा डेप्थ पर 15-20 फीट पर जो भी मैग्मा जम गई और मतलब मैग्मा ठंडा होने के बाद जम गई और रॉक का फॉर्म मतलब रॉक बन गई वो, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं हाइपर बेसाल्ट रॉक। यानी हाइपर बेसाल्ट रॉक की फाइनली ग्रैंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, समझे। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रिस्टली स्ट्रक्चर हाइपर बेसाल्ट रॉक का, फाइनली ग्रैंड स्ट्रक्चर होता है। और एग्जांपल जैसे हो गया डोलराइट, तो आपको कौन रॉक का क्या एग्जाम्पल है वो एग्जाम पूछती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लिए ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, देख सकते हैं ग्रेनाइट आपका एग्जाम्पल है प्लूटोनिक रॉक का, ठीक है। हैवी बेसाल्ट का एग्जाम्पल क्या होती है, डोलेराइट। अब देखिए वोल्केनिक रॉक देखिए, तो वोल्केनिक रॉक इफ द मेल्टिंग मैग्मा आर कूलिंग और सेट ओवर द ग्राउंड और ओवर द अर्थ इज कॉल्ड वोल्केनिक रॉक, ठीक है। इसका यानी वो रॉक
जो अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के, यानी वो मैग्मा, जब जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के जम जाएगी, ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो जम जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्केनिक रॉक। तो जब मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगी, उसको हम लोग लावा के नाम से बुलाते हैं उसी मैग्मा को, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली फाइनली ग्रेंड होता है, यानी बहुत ज़्यादा महीन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महीन होता है, और बहुत इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, जैसे बेसाल्ट, ट्रैप, ये सब हो गया आपको एग्जाम्पल वोल्केनिक रॉक का। तो आपको एग्जाम में पूछती है कि आपको, अभी आप देख लिए इग्नियस रॉक तीन प्रकार का होता है, कितना प्रकार का इग्नियस रॉक होता है, तीन प्रकार का, कौन कौन देखे, प्लूटोनिक रॉक देखे जिसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट था, उसके बाद हम लोग हाइवी बेसाल्ट रॉक देखे जिसका एग्जाम्पल डोलोराइट था, उसके बाद वोल्केनिक रॉक देखे जिसका एग्जाम्पल था बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है, बेसाल्ट एंड ट्रैप हो गया। तो अब आपसे एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, ग्रेनाइट या डोलेराइट या बेसाल्ट या ट्रैप, ये किस रॉक का एग्जाम्पल होती है, ठीक है। तो देख लीजिए ये किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का, यानी ग्रेनाइट, डोलेराइट, ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट और ट्रैप, ये सब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, इस प्रकार से क्वेश्चन आती है। अब देखेंगे हम सेडिमेंटरी रॉक। अब देखिए, यदि आपको इग्नियस रॉक समझ में आ गया, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो मैग्मा जो है, यानी पृथ्वी के केंद्र में कुछ मटेरियल है, ठीक है, वो आग के तरह खोल रही है, वो जब ऊपर, जब वो गैस ग्रुप फॉर्म हो जाती है तो पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो सरफेस है, अर्थ का जो लेयर है, उस पर प्रेशर मारती है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, यानी प्रेशर मारेगी तो बाहर आना चाहेगा वो, जब वो बहुत अधिक डेप्थ पर ही, यानी अर्थ सरफेस से बहुत अधिक डेप्थ पर ही ठंडा होकर के जम जाती है, तो उसे हम लोग किस रॉक के नाम से बुलाते हैं, प्लूटोनिक रॉक। और जब वो अर्थ सरफेस से थोड़ा कम डेप्थ पर, ठीक है, आकर के जम जाएगी, वो ठंडा होने के बाद जम जाएगी, उसे कहते हैं बेसाल्ट रॉक, और जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर चले आएगी उसे कहते हैं वोल्केनिक रॉक। बस अभी तक इतना ही देखें, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट अपना सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछती है आपसे। अब हम बात करेंगे सेडिमेंटरी रॉक का, यानी इसको एक्वस रॉक के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। सेडिमेंटरी रॉक का दूसरा नाम क्या है, तो सेडिमेंटरी रॉक को हम लोग एक्वस रॉक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह चट्टाने पहले से ही उपस्थित रॉक, यानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक पर, ठीक है, हीट, ये हीट लिखा हुआ है, ठीक है, वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन यानी मौसम के प्रभाव कारण रिएक्शन होने के बाद यह चट्टान कहीं दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा धीरे धीरे लेयर टू लेयर सिट हो जाती है, तो इस प्रकार की रॉक को सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। यानी आपको इतना समझना है, इतना जो भी पढ़े हम पैराग्राफ, जो अभी देखे, सबसे पहले कौन रॉक बनता है, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इग्नियस सेडिमेंटरी रॉक किसे कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब जो रॉक पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से एग्जिस्ट कौन रॉक करता है, सेडिमेंट इग्नियस रॉक। यानी जब इग्नियस रॉक पर मौसम का प्रभाव पड़ेगा, वेदरिंग एक्शन, ठीक है, वेदरिंग एक्शन कारण क्या होगा, रिएक्शन होगा, हवा बहा इस प्रकार से, ठीक है, बारिश तारिश पड़ेगा तो वेदरिंग एक्शन का होगा, यानी मौसम का प्रभाव उस पर रॉक पर पड़ेगा, इग्नियस रॉक पर, तो इसके कारण क्या होती है, इरेक्शन होने के बाद यह चट्टान कहीं दूसरे, मतलब टूटेगा फूटेगा, टूटने फूटने के बाद एक जगह से जब यह दूसरी जगह चले जाती है, ठीक है। आप देख रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक है वही क्या होती है, वेदरिंग एक्शन के कारण, वेदरिंग एक्शन कारण एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगी, यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा, चाहे हवा उसको उड़ा कर लेकर चले कि पानी में बह करके एक जगह दूसरी जगह चले जाए, इस प्रकार से जो भी हो, तो वो क्या होती है, लेयर टू लेयर, एक लेयर बनी फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, यानी ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये सब होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। आप सोच रहे हैं तुरंत हो जाता, तुरंत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति में बहुत प्रकार के रॉक पाया जाता है, तो ये काम तुरंत नहीं होती है, ठीक है, यानी ये काम होने में बहुत समय, लाखों वर्ष का समय लगती है। तो इस प्रकार से यानी सेडिमेंटरी रॉक का निर्माण होता है, जो रॉक पहले से नेचर में प्री एग्जिस्ट करती है, और नेचर में पहले से एग्जिस्ट करती है इग्नियस रॉक, उस पर वेदरिंग एक्शन के कारण,
रॉक एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के द्वारा, चाहे उसे विंड ले जाए चाहे उसे वाटर ले जाए, जा करके एक के ऊपर दूसरे लेयर बाय लेयर सेट हो जाती है, जमा हो जाती है एक जगह। तो इस प्रकार से जो रॉक का निर्माण होती है उसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक, समझे। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सैंड स्टोन है, ये किसका एग्जाम्पल है सेडिमेंटरी रॉक का, लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, लेटराइट, लेटराइट हो गया, ठीक है, सेल हो गया, SH-Al, ठीक है, चौक हो गया, ग्रेवल हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सब आपको एग्जाम्पल है सेडिमेंटरी रॉक का। तो सेडिमेंटरी रॉक किस रॉक से बनता है, इग्नियस रॉक से बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, जिप्सम, लेटराइट, सेल, ये नहीं है लिखा हुआ, SH-Al सेल है, चौक है, ग्रेवल है, लिग्नाइट हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखना है मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए, अभी हम इग्नियस रॉक पढ़ चुके हैं, सेडिमेंटरी रॉक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक, अब आपके पास प्री एग्जिस्टिंग रॉक दो गो है, एक इग्नियस रॉक प्री एग्जिस्टिंग रॉक और सेडिमेंटरी रॉक है, इसी दोनों से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, कई बार एक्सेस प्रेशर एंड एक्सेस टेम्परेचर के कारण सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक में कुछ चेंजेज हो जाती है और यह रॉक नई चट्टान ग्रुप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से बनी हुई चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। अभी क्या देखें हम, कई बार क्या होती है एक्सेस प्रेशर, बहुत अधिक मान लीजिए किसी रॉक को प्रेशर लग रहा है या बहुत अधिक टेम्परेचर कारण क्या होती है, जब इस प्रकार का एक्शन होगा यानी बहुत अधिक प्रेशर और बहुत अधिक टेम्परेचर कारण सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक में, सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक में कुछ चेंज हो जाती है। क्योंकि हमारे पास अब दो रॉक एग्जिस्ट कर चुकी नेचर में, यानी सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक, तो इस रॉक पर जब बहुत अधिक प्रेशर या बहुत अधिक टेम्परेचर कारण कुछ चेंज हो जाती है तो यह रॉक नई चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, और लेयर बाय लेयर। तो इस प्रकार से बनी हुई रॉक को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। जैसे मार्बल हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट्स हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, जिनिशियस हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, सेल क्या है सेडिमेंटरी रॉक है, स्लेट क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सेल से ही, सेल पर ही जब आप अधिक प्रेशर अधिक टेम्परेचर लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, सेल से क्या बन जाएगा, स्लेट बन जाएगा, ध्यान रखिए। लाइन मेटोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है, ठीक है, ग्रेनाइट से क्या बनता है, ग्रेनाइट से क्या बनेगा, जिनिशियस बनेगा, सेनेटोन से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट बनेगा। ये भी कलर पूछ लेती है, सेल क्या है सेडिमेंटरी रॉक है, स्लेट क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी सेल से क्या बनेगा, स्लेट, यानी स्लेट का निर्माण किसे होता है, सेल से होता है। लाइमेटोन से क्या बनेगा, मार्बल, ग्रेनाइट से क्या बनेगा, जिनिशियस, ठीक है, और सेनेटोन से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का होती है। फिर इधर फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उधर हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, यदि अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके, ठीक है, ताकि वो लोग जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं तो उसे पढ़ने में परेशानी नहीं हो। जो ये अभी जो पढ़ाए आपको, ये हर एक कम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे SSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, RRB के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, तो सब में ये काम आएगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट आगे